गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू जो कि रात को विजिबल नहीं था विंडो से. सो मैंने होटल में ऑब्वियसली व्यू वाला रूम बुक किया था. तो कैन यू सी दैट दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल हेवन प्लेस. सो नाउ ब्रेकफास्ट टाइम. तो मैंने होटल से ही ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया. तो इन्होंने कुछ अमूल बटर दिया है, दिया है ब्रेड एंड देन सैंडविच, एंड उसके साथ कुछ फ्राइज दिए हैं, साथ में केचप दिया है, मिक्स फ्रूट जैम दिया है. सो नाउ आई विल एंजॉय माई ब्रेकफास्ट. नाउ जस्ट लुक एट दिस ब्रेकफास्ट विथ अ व्यू. It is what we all need in our life, and it is just in heaven. So I will enjoy this and meet you after that. Hello everyone and welcome to my channel. Hope you are liking my Sikkim series. So this is my second day in Sikkim and today I'm going for a sightseeing. So I will take you along with me. Hope you will like that. I think we will cover 8 to 10 points which is nearby Gangtok. So today we will gonna do that. Hope you can see the view from my hotel. Just an amazing view. I wish I can wake up to this view every day. So I was missing this mountain view from so long. But I like this ki yahan pe huts type ke ghar zyada hai in comparison to Uttarakhand. So I like that. So one of my friend was from Gangtok and we met yesterday. He's one of the friend is a tourist guide earlier. So he contacted two other driver or a tourist guide, I don't know, and he's coming to pick me up here in the hotel. He will be there in 15 to 20 minutes. He just called me. So I'm going to do sightseeing in Sikkim and will take you along with me. So hope you like that. Can you see the sun, how beautiful it is? And it's a very beautiful and a good day. So I will take you along with me. सो द राइड फॉर टुडे इज़ दिस वैगनार कार. तो आ चुके हैं और हम जा रहे हैं फर्स्ट स्टॉप में विच इज़ अ वाटरफॉल. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल और पूरे वे में इतना सुंदर गैंगटॉक का व्यू दिख रहा है. पीछे से आज बहुत अच्छा डे है विथ सम क्लाउड्स एंड इट्स अ वेरी गुड सनी डे. सो दिस इज़ अवर वाटरफॉल और अब हम चलते हैं इस वाटरफॉल की तरफ. इट इज़ वेरी फेमस और यहाँ पे आप बहुत सारी कार्स देख सकते हो. इट्स अ भागतंग वाटरफॉल विच इज 7 किलोमीटर फ्रॉम गैंगटॉक. इट्स सो ब्यूटीफुल और लोग यहाँ बहुत सारे लोग आ रखे हैं और बहुत सारी पिक्चर्स ले रहे हैं. मैंने भी कुछ पिक्चर्स लिए, मैं साथ में अटैच कर दूंगी. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट. इट इज़ अ मोनेस्ट्री. इट इज़ अ गोंजांग मोनेस्ट्री एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग अ मोनेस्ट्री. सो अब अंदर जाके बताती हूँ आपको हाउ इट्स लुक. सो दिस मोनेस्ट्री चार्ज ₹10 पर पर्सन फॉर एंट्री. सो आई हैव टेकन द टिकट एंड नाउ आई एम मूविंग अहेड टूवर्ड्स द मोनेस्ट्री. सो इन द एंट्रेंस उन्होंने ये बोर्ड लगाया था विच एक्सप्लेन्स अबाउट द गोंजांग मोनेस्ट्री. और यहाँ लेफ्ट में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और ऑन द राइट इज़ अ प्लेस जहाँ पे कि लोग खा सकते हैं या फिर लंच वगैरह मिल रहा था. और स्ट्रेट जाके इज़ अ मोनेस्ट्री. सो फाइनली दिस इज़ अ मोनेस्ट्री और यहाँ का व्यू इज़ अमेजिंग. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री. दिस इज़ अ परफेक्ट व्यू फ्रॉम द मोनेस्ट्री ऑफ गोंगटॉक एंड साथ में लुक एट दिस ब्यूटी. सो इट्स अ मोनेस्ट्री और इट इज़ कम्प्लीटली अ ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री. इसके अंदर चल के दिखाती हूँ आपको. सो दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ द मोनेस्ट्री और आई वॉज अमेज टू सी दैट. मैंने पहले बार कोई मोनेस्ट्री देखी और इट इज़ डैम ब्यूटिफुल. इतनी अच्छी डिटेलिंग हो रही है हर एक जगह की, अपनी नज़र हटी नहीं रही है इनसे. सो दिस इज़ अ वेरी 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 ब्यूटिफुल मोनेस्ट्री. And here I am trying to make a reel by keeping my phone on the stand. On one side of this monastery there is a room जहाँ के बहुत सारे दियाज जलाए हुए थे. I don't know इसके पीछे कुछ लॉजिक है, मुझे पता नहीं है अभी. बट दे हैव लाइटन्ड थाउजेंड्स दियाज एंड दिस रूम इज़ फुल ऑफ दियाज. एंड इसके अलावा इस रूम में कुछ भी नहीं था. कैन यू सी दैट दिस रूम इज़ जस्ट फुल ऑफ दियाज एंड दिस रूम इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द मोनेस्ट्री. So now our second stop is also covered. Now moving on to our next stop. तो चलते हैं अब यहाँ से. एंड दिस इज़ द प्लेस जो मैंने आते हुए दिखाया था जहाँ की सारे मॉन्क्स लोग रहते हैं. आपको कुछ मॉन्क्स लोग दिख भी रहे होंगे इसमें. सो दिस आर द मॉन्क्स एंड नाउ वी विल मूव टू अवर थर्ड पॉइंट विच इज़ ताशी व्यू पॉइंट, जहाँ से कंचनजंगा का व्यू दिखता है. आई हैव क्लिक द फोटोज हेयर, तो वो भी मैं ऐड करती जा रही हूँ. अब हम जा रहे हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ जो कि गणेश टॉक है विच इज़ अ गणेश का मंदिर. और साथ साथ में रास्ते का व्यू इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू. तो उसको एंजॉय करते हुए अब मिलते हैं गणेश टॉक में. सो
सो आफ्टर आर ड्राइव वी फाइनली रीच्ड अ गणेश टॉक, जहाँ पे साइड में दोनों साइड शॉप्स हैं एंड दिस इज़ अ गणेश टॉक का मंदिर ऊपर जाके. सो ज़्यादा ऊपर नहीं है, इट्स जस्ट टेक अ 5 मिनट्स और अब हम वहाँ चलते हैं. अभी ऊपर से आते हैं. अच्छा, ड्रेस पहन के ऊपर जाके फोटो खींच के आ रहेगा. ठीक है, ओके. सो सिक्किम विजिट करने से पहले मैंने सोचा था कि जब मैं सिक्किम जाऊंगी तो उनका एक ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटो खिंचाऊंगी, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं मिस नहीं कर सकती. सो आई एम वेयरिंग द ड्रेस और उन्होंने मुझे ये ब्लैक कलर का दिया. इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल. तो मैंने कहा कि चलो पहन लेते हैं और ट्राई करते हैं कि हाउ आई विल लुक इन द सिक्किम ट्रेडिशनल ड्रेस. व्हाइल वेयरिंग दिस ड्रेस माय एक्साइटेड लेवल इज मतलब ऑन द टॉप. आई वाज सुपर एक्साइटेड फॉर दिस एंड आई वाज जस्ट लिविंग दैट मोमेंट एंड आई फील सो हैप्पी बाय वेयरिंग दिस ड्रेस. I wore the dress here. Can you see the dress? And these dresses are for 50 rupees and everyone is wearing that. Hope you can see that. So after 5 minutes of walk, I reached the mandir, जो कि गणेश का मंदिर है. And this is a mandir और यहाँ पे statue रखा है. इधर पे right side में एक पंडित जी भी बैठे हुए हैं. This is the viewpoint और साथ में photos जो मैंने वहाँ ली. साथ में मंदिर के साथ साथ ही वहाँ पे एक शॉप भी थी जहाँ बहुत सारे आइटम्स थे जो कि आप एज अ मेमोरी वहाँ से ले जा सकते हो. की रिंग्स थे, फ्रिज मैग्नेट्स थे, ये कुछ खुंगरीज थी, कुछ आइडल्स थे गणेश जी के या कुछ बुद्धा के स्टैचूज थे. तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ली. तो मैं लास्ट में आपको एक साथ दिखा दूँगी क्या क्या लिया है मैंने. आफ्टर ऑल द सीरीज़ मैं आपको एक हॉल बना के दिखा दूँगी. Now after this we are heading toward a Rumtek monastery which is about 32 km from Ganesh Top. Always carry your IDs क्योंकि Rumtek monastery में आपकी IDs भी लगती है. और यहाँ पर walk करने के लिए you have to walk for 10 minutes जहाँ पे main road है and this is a ticket counter. After taking a ticket हम यहाँ पर enter हुए. तो यहाँ पे monks वगैरह लोग रहते हैं और इन्हीं के घर थे. So this is यहाँ का ticket which is of 10 rupees. सो दिस इज़ द मोनेस्ट्री और इसके अपोजिट में एक प्लेस था जहाँ पे सब बुद्धिस्ट लोग प्रे करते हैं. इट इज़ अ गोल्डन स्तूपा वहाँ का और वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं थी तो मैंने वहाँ कोई फ़ोटोज़ नहीं ली. सो नाउ दिस इज़ ऑल फॉर द Rumtek मोनेस्ट्री और हम दूसरी जगह जाएंगे. अब Rumtek मोनेस्ट्री से वापस जाते हुए हमें एक शॉप दिखी. दिस इज़ अ तिब्बतन शॉप और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स रखे थे. तो इफ़ यू विल गो कभी भी Rumtek मोनेस्ट्री तो प्लीज़ चेक दिस शॉप. नाउ वी स्टॉप इन अ प्लेस विच इज़ अ रंका मोनेस्ट्री और यहाँ भी मैंने इनका ट्रेडिशनल ड्रेस पहना और मोनेस्ट्री में जाके फोटो खिंचाया. सो वो भी फोटोज़ मैं ऐड कर दूंगी साथ में. इट इज़ अगेन अ वेरी गुड मोनेस्ट्री और यहाँ के अंदर का व्यू वॉज जस्ट एन अमेजिंग व्यू. यहाँ मैंने अपने फेवरेट ग्रीन कलर वाला ड्रेस पहना यहाँ का और मैंने इसमें साथ में फोटोज़ भी ली. तो विद दिस रंका मोनेस्ट्री भी हो गया डन और अब हमें बहुत भूख लगी तो हम जाएंगे खाना खाने. देन वी स्टॉप इन अ प्लेस फॉर अ फूड. इनका था थुप्पा जो कि यहाँ का फेमस है. साथ में आई हैड सम चिली चिकन और साथ में आई हैव सम नूडल्स ऑल्सो. तो इनका मेरे को नूडल्स थुप्पा वगैरह सब बहुत अच्छा लगा. और साथ में ये दीदी जो वहाँ होटल को देख रही थी ये बहुत अच्छी और बहुत स्वीट थी. सो इन्होंने बहुत अच्छे से हमें सर्व किया खाना. सो दिस इज़ अ होटल प्लस इट्स अ होम स्टे. इट्स नेम इज़ रिवर साइड होम स्टे और आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं. दिस पीपल्स आर सो स्वीट एंड केयरिंग. सो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं. इट्स अ बार कम होटल प्लस एंड होम स्टे. और दिस इज द लेडी, सी इज़ द स्वीटेस्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल. सो आफ्टर दिस हमारा एक ही पॉइंट बचा क्योंकि हमें 7 पॉइंट कवर करने थे आज. तो लास्ट पॉइंट बचा था रोप वे बट मैंने ही आज कैंसिल कर दिया रोप वे. मैंने सोचा नेक्स्ट डे जाऊंगी क्योंकि बहुत फॉगी मौसम होने लग गया था बाद में और फिर शाम भी हो गई थी. तो फिर मैंने कहा जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा. सो आई लेफ्ट रोप वे फॉर टुडे और मैं उसे कल कर लूँगी. तो आई टोल्ड माई ड्राइवर भैया कि आप मुझे MG रोड छोड़ दो और मैं वहाँ से डिनर करके बाद में रूम में चले जाऊँगी. सो डन विद द डे. आज मैंने बहुत सारी नई चीज़ें देखी. सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दिस डे एंड तब तक के लिए बाय बाय. विल मीट यू टुमारो. यू डोंट सी द थिंग्स आई सी. आई टेल यू थिंग्स यू वोंट बिलीव.